हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से जुड़े हुए वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से लगभग 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू व्हाट। इस साइन इनवर्स √3/2 का हमसे मान पूछ रहा है। तो इस साइन √3/2 का मान होता है π/3। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसे आप आसानी से सल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चंस है जो हमारे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट कहता है कि साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ये जानते होंगे कि साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी फार्मूला होगा उसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला से ही डायरेक्ट हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना होता है। तो साइन इनवर्स √3/2 का मान π/3 होता है। तो एक नंबर क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चंस नंबर हमारा सेकंड कहता है कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट, कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x। इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे। यदि हमसे पूछा जाता, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स, जो कि हमारे क्वेश्चंस नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि हमसे पूछा जाता है कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा तो हमारा होता टेन इनवर्स 1/x। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप याद कर लें। क्वेश्चंस नंबर हमारा थर्ड कहता है कि कॉस इनवर्स 1 − x² / 1 + x² इक्वल टू व्हाट। कॉस इनवर्स 1 − x² / 1 + x² इक्वल टू व्हाट। तो कॉस इनवर्स 1 − x² / 1 + x² इक्वल टू हमारा होता है 2 tan इनवर्स x। इस फॉर्मूला को भी आप याद कर लेंगे। इसलिए हमने आपसे पहले ही बोला था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से जितना भी फॉर्मूला हो उसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमने आपसे अभी 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया, तीनों क्वेश्चंस फार्मूला ही बेसिस है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फार्मूला हो उसे आप याद कर लें। इस टाइप का ही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछा जाता है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नंबर 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चंस नंबर 4। क्वेश्चंस नंबर 4 कहता है साइन इनवर्स इनटू साइन 3π/2 इक्वल टू व्हाट। यहाँ हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि
जो साइन इनवर्स एक्स का मान होता है वो हमारा जीरो से लेकर और पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन जो यहाँ साइन का एंगल दिया गया है वह पाई बाई टू से बड़ा दिया गया है। तो हम इसको उस रूप में तोड़ेंगे कि हमारा मान या तो जीरो से बड़ा आए या फिर पाई बाई टू से छोटा आए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो जब हम थ्री पाई बाई टू को तोड़ेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री। इस रूप में हम थ्री पाई बाई टू को पाई माइनस पाई बाई थ्री के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं साइन इनवर्स, जब साइन थ्री पाई बाई टू को तोड़ेंगे तो पाई माइनस पाई बाई थ्री के रूप में लिखेंगे। अब ये जो है साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री वो हमारा किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का मान क्या होता है, तो प्लस होता है, प्लस होता है। तो चलिए अब साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाई थ्री हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई थ्री। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, पाई बाई थ्री, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर का हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, अतो पाई बाई टू। तो चलिए अब सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हम पाई बाई टू पुट करते हैं। तो हमारा हो जाएगा साइन, इसके जगह पर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। अब साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है, वन। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हमारा वन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आज हमने देखा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।